Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. From Aman Ansari, aap sabhi loka, Amitabh Bachchan, Anupam Kher, Boman Irani, Danny Danzoppa, Suraj Barjatya dwara directed film Unchai ke Day Number 4, yani ke uske all important Monday test ke box office collection prediction, audience occupancy, show count, episode mein tehe dil se hardik swagat karta hu. क्या हो रहा है मेरा भाई. डे नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऊंचाई, क्योंकि गाइस ऊंचाई ने पहले दिन अच्छे खासे कलेक्शंस किए कंसीडरिंग द स्क्रीन काउंट एंड द शो काउंट. दूसरे दिन मैक्सिमम जंप मारा, 101% का जंप मारा द संडे कर्स हिट ऊंचाई एज वेल. संडे के रात के शोज कितने अनप्रेडिक्टेबल है आप सभी लोगों को पता है. अनफॉर्चुनेटली उतने नहीं गए लोग देखने के लिए फिल्म जितना जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी द जंप वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. तो आज ऊंचाई को क्या करना था, सिर्फ 10-20% का ड्रॉप जो है वो लेना था, लेकिन ऊंचाई आज गिरी नहीं. ऊंचाई ने अपना ओपनिंग डे जो है उससे स्टेबल यानी कि उतना ही कलेक्शन किया है जितना उसने अपने फर्स्ट फ्राइडे को कमाया था. सारी की सारी चीज आज के एपिसोड में इंक्लूडिंग द वेरी इंटरेस्टिंग शो काउंट, क्योंकि गाइस यहां पर बरजातिया की जो स्ट्रेटेजी थी यानी कि पहले 3 दिन वीकेंड पे एक मिनिमल शो काउंट लेकर मैदान में उतरना और उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ जैसे आगे बढ़ता है उसके शोज इंक्रीज करना, वही हुआ है. यहाँ पर ऊंचाई के शोज भारी मात्रा में बढ़ाए गए हैं. कितने सारी सारी चीजें आज के एपिसोड में, चलिए शुरू करते हैं. डे नंबर 1.81 करोड़ इस फिल्म ने कमाया था. दूसरे दिन 101% का जंप लेते हुए 3.64 करोड़ से कमाई की थी. कल का हमारा प्रेडिक्शन था फिल्म कहीं ना कहीं 5 करोड़ के आसपास कमाएगी, लेकिन द ऑफिशियल कलेक्शन फॉर ऊंचाई ऑन इट्स थर्ड डे इज 4.71. यस फ्रेंड्स, 4.71 करोड़ इस फिल्म ने कमाया. इसी के साथ इसका जो वीकेंड है वो 10.16 करोड़ का होता है, यानी कि 10.16 करोड़ ऊंचाई को टू बी डिक्लेयर्ड अ हिट एट द बॉक्स ऑफिस 35 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करना होगा. यस फ्रेंड्स, 35-38 करोड़ अगर ये फिल्म कमाती है तब जाके क्लीन हिट का टैग लेगी विथ दृश्यम 2 द नेक्स्ट वीक. उसके बाद भेड़िया, लेट्स सी गाइस क्या अपनी मिशन में कामयाब होती है या नहीं. फ्लॉप तो ये फिल्म नहीं होने वाली है. ये फिल्म ने इतने कलेक्शंस जो है वो 486 स्क्रीन्स में कमाए थे विथ 1282 शोज, यानी कि 1282 शोज में इतने कलेक्शन किए थे 10.16 करोड़ इंडिया नेट. इसका ग्रॉस होता है 12.1 करोड़ ओवरसीज. कल मैं रिवाइज करूंगा, लेकिन फिलहाल ओवरसीज इसने 2.82 करोड़ का एक डिसेंट बिजनेस किया है एंड इसी के साथ इसने वर्ल्ड वाइड 3 दिनों में 14.92 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. ओके गाइस, लेकिन आज इसके शोज 1280 से लेके 1900 जंप मारे हैं. यस फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन 1282 से 1900 इसका शो काउंट जो है वो चला गया है. आज मुंबई में नाइट के शोज बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ऑक्यूपेंसी ऑब्वियसली उतनी नहीं है, लेकिन नाइट शोज काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे पिकअप लिया है. मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 9.5%, आफ्टरनून 15 एंड इवनिंग 20 फॉर अ फिल्म इन द वीकडेज, दीज आर रियली गुड नंबर्स. सो गाइस, अब बात करते हैं शो काउंट की. संडे 257 शोज, मंडे 339 शोज, यानी कि अब शोज बढ़ा दिए गए हैं एंड गाइस ऑक्यूपेंसी 22% रियली गुड. दिल्ली एनसीआर संडे 259, टुडे 272, 21%, यानी कि ऑक्यूपेंसी इज ब्रिलियंट. पुणे 91 से 112 शोज, 18% ऑक्यूपेंसी. बेंगलुरु 66 से 68, 33% ब्रिलियंट. हैदराबाद 52 से 57 शोज, 20% ऑक्यूपेंसी. कोलकाता 71 से 87 शोज, 25% मंडे ऑक्यूपेंसी. अहमदाबाद 117 13% की ऑक्यूपेंसी. चेन्नई 19 से 18 शोज, लेकिन 18 शोज में भी 41% ऑक्यूपेंसी है. सूरत ने 58 शोज कर दिए हैं, 10% की ऑक्यूपेंसी है, यानी कि शोज बढ़े ऑक्यूपेंसी बढ़ी, इसीलिए ये फ्राइडे जितना ही कलेक्शन करने वाली है एंड आई थिंक आज ये फिल्म कहीं ना कहीं 1.70 से लेकर 1.80 करोड़ कमाएगी. एंड अगर ऐसा हुआ देन गाइस ये फिल्म कहीं ना कहीं 4 दिनों में 11.96 से 12 करोड़ कमाने में कामयाब हो जाएगी. तो अब इसको क्या करना है, ट्यूजडे मिनिमल ड्रॉप 1.60, वेडनेसडे 1.40, थर्सडे 1.20, कैसे भी हफ्ता अंत होते होते और 4.20 करोड़ कमाने हैं, यानी कि फिल्म का पहला हफ्ता 16 से लेकर 16.5 करोड़ होगा. दूसरे हफ्ते में अगर 10 करोड़ भी कमाती है दृश्यम 2 के सामने तो अच्छा होगा. तो 2 वीक में 26 करोड़ होगा,
भेड़िया आने के बाद अगर ये 5 करोड़ भी कमाती है तो 31 करोड़ पे फिल्म जाएगी, उसके बाद ये फिल्म की किस्मत बोलती है। अगर शोज बचे, लंबी रेस का घोड़ा हुआ, देन 35-36 करोड़ इसके लिए चॉकलेट होगा एंड ये फिल्म फाइनली एक अच्छा हिट टैग लेकर आएगी एट द बॉक्स ऑफिस। लेट्स सी गाइस ये फिल्म चलती है या नहीं चलती। ऊंचाई नहीं देखी है तो भैया जाइए, अपने परिवार को ले जाइए, उनको बहुत मजा आएगा देखने के लिए। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।